हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे, अगर आप एक कार वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी बड़ा बदलाव आ रहा है। अच्छा, साथ ही बिजली बिल को लेकर सरकार की बड़ी घोषणा है। आखिर किस राज्य के लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं देश में कुछ नए नियम वगैरह भी लागू किए गए हैं। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर देश में कुछ बड़े ऐलान बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही है। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इम्पोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूँ पहली खबर में। तो सबसे पहले तो जैसा कि आज पीएम मोदी का बर्थडे है, जन्मदिन है, और इस मौके पर काशी में पीएम मोदी के जन्मदिन की तैयारियां भी हो चुकी हैं। भारत माता मंदिर में 71,000 दीपक जलाए जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित होगा और आज इस पीएम मोदी के जन्म दिवस को बहुत ही खास बनाने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो चुके हैं और इस मौके पर दोस्तों देखिए पीएम मोदी के बर्थडे पर आज भारत में 1.5 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। एक दिन में 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा कोरोना का। बीजेपी की फौज ये रिकॉर्ड बनाने में भी मदद करेगी। वह देखिए बिहार राज्य भी पीएम मोदी को जन्मदिन का खास तोहफा देने के लिए मेगा वैक्सीनेशन अभियान आयोजित कर रहा है और बिहार में 30 लाख से ज्यादा लोगों को आज कोरोना की वैक्सीन डोज दी जाएगी। और हाँ, इतना ही नहीं, बीजेपी युवा मोर्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाएगा और 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक राजस्थान में चलेगा सेवा और समर्पण अभियान, नमो क्विज, नव भारत मेला और स्वच्छता अभियान वगैरह। ये कुछ नए कार्यक्रम भी आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित किए जाएंगे कई राज्यों में। अब इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए टाइम मैगजीन की साल 2021 की दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट भी जारी हुई है और इसमें भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अदार पूनावाला वगैरह ये नाम भी शामिल रहे। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि टाइम मैगजीन की टॉप 100 शख्सियतों की लिस्ट में 54 तो महिलाएं शामिल है, यानी कि टाइम की दमदार हस्तियों की लिस्ट में महिलाओं का दबदबा भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। और इससे ये बात भी जाहिर होती है कि दुनिया की प्रभावशाली हस्तियों में महिलाएं भी कम नहीं है, क्योंकि 50% से भी ज्यादा इस लिस्ट में महिलाओं के नाम शामिल है। दैट्स अमेजिंग, राइट। और अगला अपडेट देखिए आप, पीएम मोदी ने मन की बात के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस ऐप पर रिकॉर्ड कर आप भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। दरअसल दोस्तों इसी महीने की 26 तारीख को यानी कि 26 सितंबर को पीएम मोदी अपनी मन की बात कार्यक्रम का अगला संस्करण 80वां संस्करण होगा इसको संबोधित करेंगे। और इस मौके पर अगर आप भी कुछ राय देना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आप नमो ऐप पर या माई गवर्नमेंट ऐप पर या इन नंबर पर अपना संदेश रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1800117800, ठीक है ना। तो मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी आपके भी विचारों को जरूर मुद्दा उठाएंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, व्हाट्सएप बिजनेस में एक नया फीचर आ रहा है, दुकान सर्विस के बारे में सर्च कर पाएंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस में बहुत जल्द अब आपको ये फीचर मिलेगा कि आप किसी भी दुकान और सर्विस के बारे में व्हाट्सएप में ही सर्च कर पाएंगे। फिलहाल इस फीचर की कंपनी टेस्टिंग कर रही है और ये फीचर कुछ यूं होगा जैसे जस्ट डायल के ऊपर आपको मिलता है बिजनेस कंपनीज वगैरह की डिटेल्स, गूगल मैप के ऊपर भी आप किसी भी लोकेशन की डिटेल देख सकते हो, ठीक वैसे किसी भी बिजनेस काम धंधे दुकान कंपनी के बारे में आप व्हाट्सएप बिजनेस पर सर्च भी कर पाएंगे, लिस्ट देख पाएंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी को मिले करीब 2700 उपहारों की ई नीलामी होगी, नमामि गंगे मिशन पर ये जमा धन जो है खर्च होगा। जी हाँ, आज ही पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच पीएम मोदी जो है उनको अलग अलग जगहों से मिले उपहारों की गिफ्ट की नीलामी करेंगे और इस नीलामी से जो बजट इकट्ठा होगा उसको नमामि गंगे मिशन पर खर्च किया जाएगा। उनको मिले कई सारे गिफ्ट में जैसे कि मूर्तियां, शॉल, चद्दर और भी कई सारे गिफ्ट आइटम्स शामिल हैं, उन सभी को नीलाम किया जाएगा। आप भी अगर उनके गिफ्ट आइटम खरीदना चाहते हैं तो इस पोर्टल के जरिए खरीद सकते हैं। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की आज बैठक होने जा रही है और ऐसे में काफी दिनों से ये भी चर्चा चल रही है कि पेट्रोल और डीजल को भी सरकार जीएसटी के दायरे में ला सकती है। आज की बैठक में ऐसा भी कोई निर्णय हो सकता है, पेट्रोल डीजल भी आ सकता है और इसके अलावा सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी वगैरह ये पेट्रोलियम पदार्थ, गैसें वगैरह भी जीएसटी में आ सकती है। और ऐसे में अगर वाकई में पेट्रोल डीजल को सरकार जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला अगर आज कर लेती है ना, तो अचानक से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 28 रुपए तक दाम गिर जाएंगे, 84 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की नई कीमत पहुंच जाएगी, समझ रहे हो ना। बस केवल जीएसटी के अंदर लेने मात्र से, फिर चाहे इस पर 28% जीएसटी टैक्स भी लगाए ना, तब भी पेट्रोल की कीमत अभी के मुकाबले काफी सस्ती हो जाएगी। लेट सी, आज दिन में जो ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये मीटिंग होगी जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे, तो इस बैठक में क्या क्या नए निर्णय लिए जाते हैं। खबरें ये भी आ रही दोस्तों कि आम आदमी के रोजमर्रा
रोजमर्रा की भी कई सारी चीजें सस्ती हो सकती हैं, कई चीजों पर सरकार टैक्स वगैरह को घटा सकती है, कोविड से संबंधित दवाइयां वगैरह भी सस्ती हो सकती है, है ना। तो क्या क्या बदलाव और अपडेट आते हैं मैं आपको दिन में एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, आज के जीएसटी काउंसिल मीटिंग के जो भी हाइलाइट्स रहेंगे वो, ठीक है ना। तो इसी चैनल पर आप बने रहिएगा और इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कभी भी कोई भी काम की सरकारी न्यूज अपडेट से आप मिस नहीं रहोगे। ओके, चलिए बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केसीसी के तहत अब तक दिए गए 14 लाख करोड़ रुपए के लोन और इस चालू वित्त वर्ष के लिए 16 लाख करोड़ रुपए के लोन का लक्ष्य रखा है। जो केसीसी के जरिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को लोन मिलता ना, उसको 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने बढ़ाया है टारगेट। जो पहले 14 लाख करोड़ था उसको अब 16 लाख करोड़ रुपए तक रखा गया। अच्छा, वही देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बड़ा ऐलान किया है, बेड बैंक का ऐलान किया है। 30,600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी बैंकों को मिलेगी। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ये बेड बैंक क्या है, नाम से ऐसा लगता है कि ये तो कोई खराब बैंक है, क्योंकि बेड का मतलब खराब होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार और खराब बैंक क्यों बना दी। तो यहाँ पर बेड बैंक का मतलब ये है दोस्तों कि बैंकों का जो खराब हुआ पैसा होगा ना, बैंकों का जो डूबा हुआ पैसा होगा ना, उसकी गारंटी देगा ये बेड बैंक और उसको कम करेगा। देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण ने कल ही बड़ी घोषणा की है, बेड बैंक और डेट मैनेजमेंट कंपनी का ऐलान हो चुका है और देश में एक नया सिस्टम बनने जा रहा है, जिससे कि देश के सभी बैंकिंग सेक्टर को बड़ा बूस्टअप मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर और भी ज्यादा मजबूत होगा इससे। सरकार ने बेड बैंक बनाने का ऐलान करने के साथ ही 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी भी दी है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूंगा कि आखिर ये बेड बैंक क्या होता है। तो बेड बैंक का मतलब यूं समझिए दोस्तों कि जो आप, हम, कई दूसरे लोग बैंकों से लोन लेते हैं, अलग अलग तरह के लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, तो ऐसे में सभी के सभी लोग बैंकों का पूरा लोन नहीं चुकाते हैं और बैंकों के कई लोन अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं और उनको कहा जाता है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकों की ऐसी संपत्ति जो डूबत में जाने वाली है। अगर कोई दोस्तों बैंक से लोन लिया हुआ लोग बाग शख्स जो है वो 180 दिन तक अगर अपनी बैंक की लोन की किस्त जमा नहीं कराता है, यानी कि 6 महीने तक, तो बैंक उसके लोन को एनपीए की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बैंकों का एनपीए जितना ज्यादा बढ़ता जाता है ना, बैंकों की बैलेंस शीट उतनी ही खराब होती जाती है और उन बैंकों का गुड एसेट जो है वो कम होने लगता है और बेड एसेट बढ़ने लगता है। और ये बेड बैंक वही काम करेगा कि इस तरह के जो डूबे हुए बैंकों के लोन है उनकी रिकवरी करने में बैंकों की मदद करेगा। उस तरह के एनपीए लोन को बेड बैंक अपने पास ले लेगा और बेड बैंक एज एक कंपनी होगी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक तरह की एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जो बैंकों के फंसे हुए कर्ज यानी कि एनपीए वगैरह को टेक ओवर करेगी। और बेड बैंक का काम ये होगा कि बेड एसेट को गुड एसेट में बदलेगी, यानी कि उन लोन की जहां तक हो सके रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेगी। और फिर भी नहीं होगा रिकवर तो फिर उसको सरकार जो है अपना बेड बैंक का जो बजट है 30,600 करोड़ रुपए दिया, उस गारंटीड बजट से बैंकों को भरपाई करेगी। तो इससे क्या कि बैंकों की बैलेंस शीट खराब नहीं होगी, बैंकों की छवि भी खराब नहीं होगी, बैंकों के डूबने की और बैंकों के बंद होने की स्थिति भी कम होती जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इससे एटलीस्ट बैंक कस्टमर को भी फायदा होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। चलिए बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए, कृषि आंदोलन के एक साल पूरा होने के मौके पर अकाली दल दिल्ली में करेगा शक्ति प्रदर्शन और आज शुक्रवार को संसद तक प्रोटेस्ट मार्च निकालेगा। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज से आज सुबह 10 बजे संसद तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा किसान आंदोलन को एक साल होने के मौके पर। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है इस नई योजना के तहत शुरू करें अपना काम, 50% खर्च करेगी यूपी सरकार और पूरा आपका फायदा मिलेगा। दरअसल योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना करके एक नई योजना निकाली है और ऐसे में अगर आप भी गांव में कोई भी विकास से संबंधित काम, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं ना, तो आधा खर्चा आपका सरकार देगी। जिस तरह से गांव में आप स्वास्थ्य केंद्र खोलते हो, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, जिम, व्यायामशाला वगैरह या पशु नस्ल सुधार केंद्र वगैरह कुछ भी खोलते हो, तो ऐसे में आपके इस बिजनेस पर आधा खर्चा योगी सरकार आपको देगी, ठीक है ना, और इसका पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा। तो यूपी के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग है वाकई में। वही देखिए, दिल्ली में अब कैसी होगी लिकर शॉप और काउंटर से नहीं बल्कि ऐसे खरीदनी होगी शराब। जी हाँ, नई आबकारी नीति शराब को लेकर राजधानी दिल्ली में 17 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें कई तरह के नए नियमों में बदलाव होगा। शराब खरीदने की उम्र को लेकर और शराब खरीदने के कई नियमों में बदलाव करने जा रही दिल्ली सरकार। अब शराब की दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, सड़क कॉम्प्लेक्स आदि में ही मिलेगी। पुराने नियमों के अनुसार अब स्कूल, धार्मिक संस्थानों के आसपास कोई भी शराब दुकान नहीं होगी। अभी तक दिल्ली में कई ऐसे वार्ड है जहां एक भी दुकान नहीं है, कई ऐसे हैं जहां 10-15 दुकानें हैं, तो सभी को बराबर जोन में बांट करके बैलेंस किया जाएगा। अब दुकान पर काउंटर से शराब नहीं खरीदनी होगी और अब मॉल की तरह वॉक इन दुकान होंगे। ऐसे में आपको सुपरमार्केट की तरह दुकान पर जाना होगा और पसंद की शराब लेनी होगी और बिल चुकाना होगा। अब हर ग्राहक को दुकान में एंट्री दी जाएगी और वहां जाकर खुद ही शराब ले सकेंगे। सभी दुकानों में कांच के दरवाजे लगाए जाएंगे, साथ ही ग्राहक किसी भी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ जमा नहीं कर सकते हैं। शराब की सभी दुकानों में एसी लगवाना अनिवार्य होगा, सीसीटीवी कैमरे लगवाना भी अनिवार्य होगा, ग्राहकों की सुरक्षा करना, हर दुकानदार को इस बात का खास ध्यान रखना होगा, दुकान का एरिया कम से कम 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो ये
कुछ नई शराब की आबकारी नीति के तहत राजधानी दिल्ली में नए नियम लागू होने जा रहे हैं, है ना। वही देखिए, केरल उच्च न्यायालय ने भी शराब को लेकर कल ही बड़ा बयान दिया कि शराब खरीदने वालों से पशुओं जैसा व्यवहार नहीं हो। कई लोगों को शराब खरीदने दुकान पर जाते समय शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है ना। तो अब कोई भी शराब ठेका वाला दुकानदार शराबियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएगा क्योंकि वो भी एक इंसान है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, आपकी हेल्थ से जुड़ी एक रिसर्च है कि आंख के रोगों से डिमेंशिया का कनेक्शन है। आंखों की बीमारी होने पर 61% तक याददाश्त घटने का खतरा हो जाता है। दिल की बीमारी या डिप्रेशन होने पर रिस्क और भी बढ़ जाता है, समझ रहे हो ना। तो आंखों की बीमारी से आपके ब्रेन का बहुत ज्यादा संबंध होता है, इसलिए अपनी आंखों का ख्याल रखें। ये ईश्वर का दिया हुआ एक अनोखा गिफ्ट है। एक सीसीटीवी कैमरे की तरह अल्टीमेट कैमरा, काफी मेगापिक्सल का हमको भगवान ने दिया, तो इसकी हिफाजत करें और अच्छा देखें जितना हो सके, है ना। अगला अपडेट देखिए, टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख भले ही सरकार ने बढ़ा दी लेकिन अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ, आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार ने तो इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ा दी, फिर अब जुर्माना किस बात का। तो दरअसल यहाँ पर एक नया नियम लागू किया गया सीबीडीटी की तरफ से। टैक्स लायबिलिटी का 1% एक महीने का इंटरेस्ट होता है और वो आपको पे करना पड़ेगा। हर महीने 1% ब्याज लगेगा। अगर आप मान लीजिए किसी टैक्स पेयर ने 10 सितंबर को रिटर्न फाइल किया, ऐसे में उसे टैक्स लायबिलिटी का 2% इंटरेस्ट के रूप में भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट अगस्त और सितंबर महीने के लिए 1-1% लागू होगा, ठीक है ना। तो ये आईटीआर में आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, जल्द ही शुरू होगी चारधाम यात्रा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पर लगी रोक को हटा दिया। हालांकि इसमें कुछ नियम लागू होंगे, कोरोना प्रोटोकॉल्स वगैरह का पूरा पालन करना पड़ेगा। अधिकतम 800 से 1000 व्यक्तियों को दर्शन करने की अनुमति मिलेगी रोजाना वगैरह वगैरह। और बाकी देखिए, आध्यात्मिकता को लेकर और एक खबर है कि वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले भी आपको कुछ नए नियम जान लेने चाहिए। वैष्णो देवी यात्रा को लेकर भी प्रशासन की तरफ से नए नियम लागू किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जाने वाले तीर्थ यात्रियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। आपको अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का उपयोग करना भी जरूरी होगा। आप पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए, कोरोना का कोई भी लक्षण आप में नजर नहीं आना चाहिए। फेस मास्क, फेस कवर वगैरह लगाना भी जरूरी होगा वगैरह वगैरह, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, किसानों की नाराजगी के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मनोहर लाल ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं वगैरह भी दी। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आज पीएम मोदी का बर्थडे वगैरह भी है। इनका क्या कार्यक्रम शेड्यूल है वो भी मैंने आपको बताया था शुरुआत में। वहीं देखिए, उत्तराखंड राज्य में 1 महीने में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब मुफ्त जांच शुरू होगी। राज्य के सभी जितने भी स्वास्थ्य जांच केंद्र हैं उन पर फ्री में आपको किसी भी तरह की जांच होगी, फिर चाहे वो खून की जांच करना हो वगैरह वगैरह, किसी भी तरह की टेस्टिंग हो, है ना। वहीं अपडेट देखिए, उत्तराखंड में जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है, लाखों बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी का कल ही जन्मदिन था और इस मौके पर उन्होंने बड़ी घोषणा की और वो ये कि मार्च 2022 तक राज्य में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ होगा अब, है ना। मतलब सभी लाखों युवा छात्र छात्राएं कैंडिडेट जो सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरेंगे ना, तो मार्च 2022 तक आपसे कोई भी फीस या शुल्क के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो ये वाकई में मतलब लाखों युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। वहीं देखिए अगला अपडेट, हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के तहत दी जाने वाली सुगुन राशि में बढ़ोतरी कर दी है। हरियाणा में एससी एसटी वर्ग व इस तरह की लड़कियों को शादी में अब 71,000 रुपए तक का सुगुन मिलेगा सरकार की तरफ से। 66,000 रुपए शादी के पहले दिन या उससे पहले और 5,000 रुपए मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराने के 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे। पहले 51,000 रुपए की अनुदान राशि थी तो इसको बढ़ाकर 71,000 रुपए कर दिया, है ना। और वहीं देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है, टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा टल चुका है। कुछ कोविड-19 सिचुएशन की वजह से ये दौरा टालना पड़ा। हालांकि आईपीएल वगैरह शुरू होने वाले हैं तो ये क्रिकेट फैंस के लिए राहत की बात है। वहीं देखिए, कल ही विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया और इससे कई लोग खुश हुए तो कई लोग दुखी भी हुए। हालांकि अब विराट कोहली जो है वो T20 मैचों में कप्तानी नहीं करेंगे, उन्होंने खुद ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया। अब उनकी जगह पर इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी कौन संभालेगा, तो इसको लेकर 2 नाम चल रहे हैं, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के। लेट से आगे अपडेट क्या आता है। उन्होंने कहा था कि वर्कलोड वगैरह की वजह से और मुझे कुछ स्पेस चाहिए, इसलिए वो कप्तानी छोड़ रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होना चाहिए विराट के बाद, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। अच्छा, कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट बता देता हूं फटाफट से देखिए। उत्तर प्रदेश में आईटीआई में प्रवेश अब 18 सितंबर तक हो सकेगा। पहले लास्ट डेट 15 सितंबर थी, इसको बढ़ा दिया, 3 दिन और मौका मिलेगा। वहीं देखिए, जेईई मेंस में टॉपर्स बनी, AIR 1 रैंक लेकर आई है। जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक टॉप 1 पर रही है, 99.98% इसको मार्क्स मिले। पल अग्रवाल इनका नाम है, इनका सपना है एस्ट्रोनॉट बनना। मैनी मैनी कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से भी। ये वाकई में लाखों पढ़ने वाली लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन है। वहीं देखिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है। अगले शैक्षणिक सत्र से राजस्थान में शुरू हो सकते हैं 4 नए मेडिकल कॉलेज और हर कॉलेज में 100-100 सीटें होंगी, है ना। तो राजस्थान में ये नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की भी प्लानिंग चल रही है। चिकित्सा मंत्री के साथ कल ही सरकारी अधिकारियों में चर्चा भी हुई इस मुद्दे को लेकर। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है कि पराली जलाने के कारण किसान भाई लोगों पर जो केस दर्ज
दर्ज हैं उनमें से 900 केस वापस लिए गए। वहीं अपडेट देखिए, देश का सबसे लंबा हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के 65 गांव से गुजरेगा। कल ही नितिन गडकरी ने मनोहर लाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बातचीत की। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के साथ भी इसका निरीक्षण किया। ये देश का सबसे लंबा 1380 किलोमीटर का नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे होगा जो कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरेगा। इसकी लागत होगी तकरीबन 98,000 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए आप एस्टिमेट समझ सकते हैं। NH-48 पर दिल्ली मुंबई का सफर अभी 25 घंटे का है जो कि नया हाईवे बनने के बाद महज 12 घंटे का ही सफर रह जाएगा, क्योंकि इतना लग्जीरियस हाईवे होगा ये। दिसंबर 2021 में दिल्ली से दौसा तक का काम पूरा हो जाएगा और मार्च 2023 तक ये हाईवे एक्सप्रेस वे जो बनकर कंप्लीट हो जाएगा। 8-लेन हाईवे होगा ये। वहीं देखिए, राजस्थान के भी 7 जिलों से ये एक्सप्रेस वे गुजरेगा और दिल्ली से जयपुर का सफर महज 2 घंटे का रह जाएगा ये हाईवे बनने के बाद। राजस्थान में ये अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिले से होकर गुजरेगा। 7 जिलों की 18 तहसीलों के 265 गांव की सीमा से गुजरेगा और जिन भी गांव से होकर गुजरेगा ये हाईवे उन गांव का तो चमन होना तय है। वहां की जमीन वालों को अच्छा खासा मुआवजा मिल जाएगा और वैल्यू भी बढ़ जाएगी उनकी जमीनों की, राइट। अच्छा देखिए अगला अपडेट, कल ही उत्तर प्रदेश में दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। यूपी में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया जाएगा। यूपी में दिल्ली सरकार का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बिजली माफी का, उसका अनाउंसमेंट कर दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से। और दिल्ली के सीएम जहां भी जाते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं, बिजली फ्री की घोषणा तो जरूर करते ही करते हैं। अब तो लोग बाग भी इनको बिजली फ्री मुख्यमंत्री के नाम से समझने लग जाएंगे। लेट्स सी आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, यमुना प्राधिकरण का बड़ा फैसला, दिल्ली से सटे 6 जिलों के 1189 गांव का ड्रोन सर्वे किया जाएगा और जिसमें मालिकाना हक के दस्तावेजों के आधार पर ग्रामीण बैंकों से लोन ले सकेंगे और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने का भी उनको हक मिलेगा, है ना। तो ये एक अच्छी प्लानिंग है। वह देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है। सरकार ने राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण वर्ग आयोग का नाम बदल दिया। अब इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग कर दिया गया। इसको लेकर एक प्रेस नोट भी जारी किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकी मध्य प्रदेश सरकार को लेकर और एक बड़ा फैसला देखिए, 2 से 8 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अब एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक विशेष अभियान चलाने की प्लानिंग बनाई है, जिसमें 2 से 8 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा, यानी कि नशा मुक्त भारत अभियान की थीम पर ये फोकस होगा और इस सप्ताह तक राज्य में शराब वगैरह की बिक्री नहीं हो पाएगी, है ना। वही देखिए, प्रदूषण कम करने के लिए टाटा मोटर्स कंपनी ने बड़ा फैसला लिया, सोलर पावर वगैरह का इस्तेमाल करेगी। अब ये रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाने का प्लान टाटा पावर ने बनाया है। अच्छा देखिए, मजदूरों के लिए सरकार की एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है, अर्निंग संग लर्निंग। अब मजदूर कमाई के साथ साथ पढ़ाई भी कर पाएंगे। श्रमिकों को मिलेगी मोबाइल से भुगतान की ट्रेनिंग। जी हां, देश के गांव और शहरों में काम करने वाले संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब वे दिन भर कामकाज करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर पाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय से उनको प्रमाण पत्र भी मिलेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन वाला दंतोपंत ठेगड़ी श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड जो है वो श्रमिकों की स्किल बढ़ाने के लिए लर्निंग के जरिए अर्निंग योजना शुरू करने जा रहा। कुल मिलाकर के बात वही आ जाती है कि हमारे देश के जितने भी मजदूर वगैरह हैं उनको मोबाइल पर पढ़ाई वगैरह का सिस्टम बना रही है सरकार, ताकि उनको भी एजुकेट किया जाए, उनको ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के सिस्टम के बारे में भी समझाया जाएगा वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा वही देखिए, तमिलनाडु ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 10% आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया। अब आरक्षण की सीमा 40% हो गई है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए ये आरक्षण बढ़ाया गया, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, खबरों का सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, किसानों के लिए अलर्ट है, 20 तारीख तक इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। IMD ने अलर्ट किया है कि इस बार मानसून लंबा खींच सकता है। किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी, ये तो जानेंगे। फिलहाल कुछ हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। राजधानी दिल्ली के बाद अब इस राज्य को भी बारिश परेशान करेगी। IMD ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, खास करके मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे बेहद भारी बारिश की चेतावनी है दिल्ली के बाद। वही देखिए, राजस्थान में भी 30 सितंबर तक बारिश चालू रहेगी। सूखे से जूझ रहे बीकानेर और जोधपुर में भी अब बादल बरसेंगे। 18 सितंबर को उदयपुर, सिरोही और राजसमंद में भारी बरसात की चेतावनी है। वही देखिए, यूपी सरकार ने भारी बारिश के चलते 3 दिन तक स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी को बंद करने का फैसला किया। शैक्षणिक संस्थान सीधे अब 20 सितंबर से खुल सकेंगे, लेकिन 18 से अंक सुधार परीक्षा प्रारंभ होगी और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो 20 तारीख तक बंद रहेंगे भारी बारिश की वजह से, है ना। अच्छा वैसे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो देखिए आप, संपूर्ण भारत का आज 17 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, दिल्ली, NCR, हिमाचल
प्रदेश, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर एक ही दिन में 700 से भी ज्यादा गिरावट आई है। सोने चांदी के रेट में, सोने में 491 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 45,735 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 724 रुपए की गिरावट आई और 61,541 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी का रेट चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर के बाद कोरोना से संबंधित कुछ बड़े अपडेट पर नजर डालते हैं। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मास्क पर हुई अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च। कोरोना के खिलाफ कपड़े के मास्क से ज्यादा इफेक्टिव है सर्जिकल मास्क, इसकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी 95% है। जी हाँ, यानी कि हम कपड़े का सादा मास्क जो लगाते हैं ना, उसके बजाय ये जो सर्जिकल मास्क आता ना, यूज एंड थ्रो वाला, वो कोरोना को रोकने में और ज्यादा सक्षम है। देखिए कोरोना के खिलाफ बांग्लादेश के 600 गांव के तकरीबन 3.5 लाख लोगों पर रिसर्च हुई। सर्जिकल मास्क में सिम्टोमेटिक कोरोना का खतरा भी कम देखा गया। सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करने वाले इलाकों में 9.3% संक्रमण की रेट कम रही। तो कुल मिलाकर के अगर आप भी कपड़े का मास्क भी लगाते हैं तो भी सर्जिकल मास्क भी साथ में यूज करें, है ना। वहीं देखिए एक नया आदेश जारी किया गया। अब हरियाणा में 20 सितंबर से लगेगी 1 से 3 तक की कक्षाएं, ऑनलाइन कक्षाएं भी चालू रहेगी। हरियाणा में 1 से 3 कक्षा तक के स्कूल 20 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। सुबह 9 से 12 तक स्कूलें लगेगी। हालांकि कुछ नियमों का पालन करना होगा, देख सकते हैं, परिजनों की लिखित अनुमति के साथ स्कूल में प्रवेश मिलेगा। एक डेस्क पर यानी कि एक टेबल पर एक ही छात्र बैठेगा, कोई भी सामान एक दूसरे से बांट नहीं पाएंगे। मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा, है ना। बाकी स्कूलों को लेकर और एक अपडेट देखिए, असम राज्य में भी 20 सितंबर से 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूल के सभी कर्मचारियों का फुल वैक्सीनेशन होगा। और मध्य प्रदेश में भी देखिए 1 से 5 तक की कक्षाएं अब ऐसे लगेगी। सरकारी स्कूलों में 2 कक्षा के बच्चों को 1 का कोर्स पढ़ाया जाएगा, एक शिक्षक एक साथ क्लासे लेगा। ऑफिशियल आदेश भी जारी कर दिया गया, इसको लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए झारखंड में फिर से खुलेंगे 6 से 8 तक के स्कूल। कोरोना के कम होते मामलों के बीच हेमंत सरकार ने ऑफलाइन क्लासेज को मंजूरी दे दी है और 20 सितंबर से इन स्कूलों को खोलने की परमिशन मिल चुकी है। ओके, तो ये तो कुछ स्कूल खोलने को लेकर अपडेट रहे। वहीं दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों में 34,640 नए मामले देखे गए, जबकि 318 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी 3,32,000 चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,44,278 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं कोरोना को लेकर एक अलर्ट चेतावनी ये भी आ रही कि अभी भी खतरा टला नहीं है। देखिए अमेरिका में स्कूल खुलने के बीच बच्चों में संक्रमण के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सिंगापुर में 80% वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में स्कूल वगैरह भी जाएं, बच्चे बच्चों को आप कुछ टिप्स दें, उनको ध्यान रखें इन बातों का कि भीड़ भाड़ में ना जाएं, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें वगैरह वगैरह। अच्छा, कोरोना अपडेट के बाद हम देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों से फंड नहीं ले सकेंगे प्राइवेट विश्वविद्यालय, किस्तों में लेनी होगी फीस, एक साथ फीस नहीं ले पाएंगे। कोरोना माहौल के बीच हिमाचल में यह नया नियम लागू किया गया निजी विश्वविद्यालयों के लिए, है ना। वही देखिए, इन 2 महीनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा। जी हां, प्रदेश में 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पड़ने वाली 1 जुलाई और 1 जनवरी की तिथि को कोई भी वेतन वृद्धि देय नहीं होगी उत्तर प्रदेश में अब, है ना। वही देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को अब विजिलेंस के एनओसी पर ही पासपोर्ट दिया जाएगा। निलंबन या गंभीर आरोपों की जांच और अभियोजन की स्थिति में पासपोर्ट सरकारी कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा। अच्छा, वही देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किया कार के ऊपर एक योनो ऐप पर ऑफर निकाला। अगर आप योनो से किया कार की बुकिंग कराते हो तो आपको डिलीवरी फास्ट मिलेगी, इसके अलावा लोन लेने पर इंटरेस्ट रेट पर डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा। SBI की तरफ से किया के साथ ये टाइप अप किया गया है। और बाकी आपको बता होगा हाल ही में SBI ने होम लोन में भी रेटों में कटौती की थी। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए अभी दशहरा और दीपावली के यानी कि त्योहारों के मौके पर होम लोन के सभी चार्जेस खत्म कर दिए हैं। SBI ने एक अनाउंसमेंट किया है, फेस्टिवल बोनांसा फॉर होम बायर्स करके ऑफर निकाला, जिसके तहत आप SBI से होम लोन लेते हो तो 6.5% से 7% के बीच में आपको होम लोन मिल जाएगा और दूसरे कोई भी चार्जेस प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखिए PLI स्कीम से भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। ऑटो सेक्टर में 26,000 करोड़ के निवेश से बन रहे लाखों नौकरी के अवसर। आपको बताओगा कल ही मोदी सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए 26,000 करोड़ की PLI स्कीम की योजना का ऐलान किया और ऐसे में अगले 5 सालों में भारत मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बन जाएगा दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले। अच्छा, यूपी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया, हाई कोर्ट के कर्मचारियों को भी अब PGI स्कीम में इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं अपडेट देखिए, हरियाणा में 3 बार जुर्माना लगा तो अब नौकरी चली जाएगी। हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के आदेश हैं, 31 अक्टूबर तक निपटा ले 2020 तक की पेंडिंग फाइलें, वरना कड़ी कार्यवाही होगी। और अगर किन्हीं कर्मचारियों पर लापरवाही करने के चलते 3 बार से ज्यादा बार जुर्माना लगा ना, तो स्ट्राइक की तरह अब उनकी नौकरी चली जाएगी। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारे
हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों इंडियन आर्मी की भर्ती में रिटायरमेंट की उम्र कितने साल है, कितने साल बाद रिटायरमेंट कर दिया जाता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और गिफ्ट में आपको जीतने का मौका मिलेगा एप्पल आईफोन 13 मिनी जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ एप्पल की तरफ से। ओके, और साथ इस वीडियो को लाइक भी करना, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे इसी के साथ ही अगले नेक्स्ट अपडेट में। ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का भी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।